इंदौर कनाड़िया पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से कुल 20 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दरअसल मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी सोनू ने बताया कि वो ऑटो चलाता है और रैकी कर मोबाइल चोरी करता है। आरोपी का साथी मनीष मोबाइल ठिकाने लगाने का काम करता है। पकड़े गए आरोपी से कुल 20 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपी से अन्य और भी मोबाइल के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। दरअसल यह घटनाक्रम कल रात्रि का है, जिसमें कि थाना के एक दल को इस आशय की सूचना मिली थी कि छोटा राजवाड़ा क्षेत्र के पास दो युवक चोरी के मोबाइल लिए हुए हैं और खरीद फरोख्त की प्रक्रिया में हैं। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा दबिश देकर के उक्त दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास मौके पर 4 मोबाइल चोरी के जब्त हुए और पूछताछ में उनके द्वारा 16 और मोबाइल उनसे जब्त हुए। इस प्रकार से दोनों जो व्यक्ति हैं, एक सोनू एवं मनीष नामक, इन जो कि राजीव गांधी चौराहा भवरकुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनसे कुल 20 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। पूछताछ में यह तथ्य भी सामने आए हैं कि सोनू नामक आरोपी पिछले कई महीनों से जो एकांत में 4 पहिया वाहन खड़े रहते हैं, उनमें मौका पाकर उनके जो स्टाफ के मोबाइल फ़ोन है उन्हें चुरा लेता है और अपने इस साथी को, मनीष को, बेच देता है। अभी दोनों आरोपियों के द्वारा जो दी गई जानकारी के आधार पर जो मोबाइल फ़ोन मिले हैं, उनके ऑनर की जानकारी हम संकलित करने का प्रयास कर रहे हैं और अनुसंधान में और भी तथ्य सामने आने की पूरी संभावना है।